साकी सर ने बताया कि समय की व्यस्तता के कारण हम जो है इस प्रोग्राम को भी कुछ समय सीमा में खत्म करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य को स्वागत दर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरे समस्त वरिष्ठ सहयोगी और आप समस्त, ये बहुत हर्ष की बात है सर हमारे बीच आए हैं। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे अतिरिक्त संचालक हैं, इसलिए हम बहुत खुश होते हैं। सर एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी है जिन्होंने माध्यम साइंस कॉलेज को एक प्लस तरह दिलाया है। और सर की जो सबसे बड़ी खासियत है, बहुत लाइट फुट में बात करते हैं, सारे वातावरण को हल्का फुल्का कर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सर अभी सुस्ते कॉलेज और नलखेड़ा कॉलेज ऊपर आए हैं और दोनों जगह से मेरे पास फोन आ गया है कि मैडम सर बहुत अच्छे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि केवल मैं नहीं कह रही हूँ कि सर बहुत अच्छे हैं, सब लोग कहते हैं जहाँ भी जहाँ सर जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और आज हमारा लेख आने वाला है तो सर का गाइडेंस जो होगा हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। तो इस अवसर पर सर मैं समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से, पूरे जिले के महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप हर महामारी यहाँ बता रहे ताकि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे और हमारी जो ग्रेड है वो हमें बी मिली हुई थी तो हम आगे जा सकें और कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें तो हमें भी खुशी होगी और निश्चित रूप से आपको भी खुशी होगी क्योंकि ये जिला आपका ही है सर। तो बहुत अधिक समय ना लेते हुए हम चाहेंगे कि सर हमसे ऐसी बातें करें जो हमें ग्रेड दिलाने में आगे काम आ सके, हमारे अंक जो है इंक्रीज हो सके। एक बार फिर सबकी ओर से सर आपका स्वागत। समाज में जाते हो तो आपकी क्या क्या पहचान आपकी समाज में, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस गली में आप रहते हैं, आपके पड़ोसी आपको किस रूप में जानता है? वो किसी अरविंद शर्मा को नहीं जानता, वो ये जानता है अगर मैं जाऊँ और कहूँ कि अरविंद शर्मा को आप पहचानते हैं तो हो सकता है कि मोहल्ले का कोई आदमी कहे कि मैं नहीं जानता। लेकिन अगर मैं अगर वो प्रोफेसर है कॉलेज में तो जरूर हाँ हाँ एक खैर बच्चे उनके आते जाते हैं, वो भी कभी 6 बजे सुबह चले जाते हैं, कभी शाम को 7 बजे जाते हैं। परीक्षाओं में हम लोग करते ना सुबह 6 साढ़े 6 बजे घर से निकल जाते, तो कई बार हमारी पहचान जो है वो हमारा व्यवसाय हमारी पहचान बन जाती है। व्यवसाय कहना भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि मैं इसका आपको मैंने कभी व्यवसाय के तौर पर नहीं करा, मेरे जीवन आपको बता रहा हूँ। मैं 22-23 साल का था तब से सेवा में आया हूँ। आजकल जो बच्चे आए हैं वो शायद 28 से एवरेज जैसे करना है टीचर के निकाले 28 से 30 हो गए। हमारे समय में 20-22 हुआ करती, तो मैं भी 22 साल से शिक्षक हूँ। तो
जब उम्र मेरी 22 साल थी, तो जो बच्चे थे, जो बहुत मजबूत बच्चे होते हैं ना, आप अभी भी होते हैं, अब तो ऐसे ज्यादा पढ़ने का जरूर नहीं, लेकिन 30-35 साल पहले बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता था और तब तक नहीं निकलता था जब तक कि उसकी शादी वादी नहीं हो जाती थी या स्थापित नेता नहीं था। तो कई बच्चे तो मुझसे कहते थे कि अब सर आपका क्या करिए, मेरा पोस्टिंग रीवा साइड में हुआ था, आपका क्या करिए गुरु जी, अब आपको उम्र भी हमसे कम है, अब क्या करिए, आपका पैर छूना पड़ता है, आप गुरु जी जो ठहरा। वो जो 25 साल का एमएफए में पढ़ता हुआ बच्चा था, काफी मजबूत उसकी शिक्षा थी, हर कक्षा को 2-3 सालों में पास करता हुआ एमएफए तक पहुंचा हुआ था, पर उसको ये भान था कि गुरु नहीं शिक्षक है, कहता था वो कि आपकी उम्र मुझसे कम है लेकिन मैं क्या करूँ, आपके सामने शिक्षक होने के कारण मुझे नतमस्तक होना। तो ये व्यवसाय तो नहीं था जिसका आगे नतमस्तक होता, तो कोई व्यक्ति ही होगा ना जिसके आगे वो झुकता हो, कोई व्यक्तित्व होगा जिसके आगे वो झुकता हो। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं शिक्षक के बारे में। तो आपने अगर ऐसा अपने आप को समझ रखा है, ऐसा आप मानते हैं कि आप क्या है, अभी बात कर रहा था मैं कि ये जो कॉलेज की ग्रेड की बात है, पॉइंट्स की बात है, या कोई नंबर हमारे बढ़ने चाहिए, ये आपको क्या देंगे, आप मुझे बताएं। मेरा भी A++ ग्रेड अभी परसों में भोपाल एक मीटिंग में था, तो हमने तो हालांकि अध्ययन किया हुआ है, पर चूंकि कमिश्नर साहब से बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने मंत्री जी को बताया कि सर हमने मध्य प्रदेश से लगे हुए सारे राज्यों में पता कर लिया है, किसी भी शासकीय महाविद्यालय का, प्रांतों की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी महाविद्यालय का A++ ग्रेड नहीं शासकीय महाविद्यालय का, मध्य प्रदेश से लगे हुए प्रांतों, ऐसा उन्होंने मंत्री जी को बताया। मंत्री जी को तो पहले मंत्री जी ने मुझे ये कहा है कि आप ये देखिए कि इसके पहले कभी जब से नेट शुरू हुआ है क्या किसी शासकीय महाविद्यालय को A++ ग्रेड मिला है, ये इतिहास ही बन गया। अभी तो जो नेट की रैंकिंग है जिनकी की A++ ग्रेड है, ऐसे महाविद्यालयों की सूची हमने नेट से मंगाई, ऐसे 51 महाविद्यालय हैं वैध A++ रैंक। वैध से आशा ये होता है कि जब आपका समय बीत जाता है, जैसे 5 साल आपके बीत गए, तो आपकी रैंक, फिर आपको रैंक लिखने का अधिकार नहीं होता, नैक भी आपके उसके पोर्टल से आपके कॉलेज का नाम हटा देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे माधव साइंस कॉलेज का जो पिछला ग्रेड था जिसमें हमको ए ग्रेड मिला था, उस समय कॉलेज को 15 सितंबर 2015 को हमको रैंक मिला था ए, तो 15 सितंबर 2020 को 16 सितंबर 2020 को नहीं दिख रहा था, तो हट चुका था नैक के वेबसाइट। तो हम तो लिखते रहे नैक से A++ ग्रेड पर, तो लेकिन वो नैक ने मानना बंद कर दिया, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट आया है आपका, जो पुराना सर्टिफिकेट, इट इज वैलिड अप टू लिखा हुआ है 21 तारीख तक ये वैध। तो ये जो उसका परीक्षा का मामला होता है, एग्जाम का होगा बच्चे का स्पेशल एग्जाम, तो ये जो वैध ग्रेड की जो हमने सूची बनाई, तो उसमें हमें 51 महाविद्यालयों की सूची मिली, और उन 51 महाविद्यालयों में देखने से पता चला, जैसे किसी ने लिखा है कि समझ गए श्री गोविंद राम सेक्सेना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम समझ गए कि अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है तो वो, हालांकि गवर्नमेंट संस्था का भी नाम होता है विवेकानंद कॉलेज हो सकता है, नेहरू हो सकता है, उसमें शासकीय जरूर लिखा होता है, तो किसी पे लिखा हुआ नहीं था शासकीय। फिर भी हमने लगभग सभी कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर के सर्च किया, तो पता चला कि माधव साइंस कॉलेज इज द ओनली कॉलेज जिसके नाम में भी गवर्नमेंट लिखा हुआ था, और 51 कॉलेज का इतिहास देखने पर पता चला कि एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है 2017 से लेकर 2022 तक जिसका ग्रेड A+। अभी तो कमिश्नर साहब के आसपास के प्रांतों में लगा रहा, पूरे प्रांतों में, भारत के सारे प्रांतों में ऐसा कोई भी शासकीय महाविद्यालय नहीं जिसका एक ग्रेड A++। अब ये ग्रेड A++ है या आया है या दिलवाया है, क्या शब्द सही मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम काम करते थे तो बच्चों के बीच में जाकर जब मैं बात करता था, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों को भी नैक के बारे में अवेयर करना होता है, आपको पता है कि बच्चों से उनका इंटरेक्शन होता है, तो बच्चों से हम कहते थे भाई हम आपसे कहते हैं कि छोटा सपना मत देखो, छोटा सपना देखना अपराध, तो मैं उससे ऐसा कहा करता था, मेरा भी मन अंदर से बड़ा डावाडोर होता था कि मैं कह तो रहा हूँ, पर मैं उनसे कहता था कि बेटा मैं भी सपना छोटा नहीं देखता हूँ, मैं ये सपना देखता हूँ इस कॉलेज को A++ ग्रेड, ऐसा मैं सपना देखता, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि छोटा सपना देखना अपराध है, तो अगर मैं भी छोटा सपना देखूँ, मैं विचार करूँ कि ए आ जाएगा, ए प्लस आएगा, ए पता नहीं क्या आएगा, तो मैं भी छोटा सपना देखता हूँ, तो मैं छोटा सपना नहीं देखता, मैं ऐसे सपना देख पाऊंगी, ऐसा सपना देखा नहीं बच्चों से कहा जरूर, लेकिन जो नहीं देखा जो नहीं सोचा वो भी हो गया।
तब ये पता चला कि क्या करने से ये होता है। अब क्या करने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जी मतलब आपको मैं केवल ये कहूँगा कि कुछ है यहाँ पर मुश्ताक यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि हमारे कॉलेज में है, जब लोग नए में जा रहे हैं, जो तक उसमें ज़्यादा सालों हैं, अरविंद जी भी कुछ 8-10 महीना है हमारे यहाँ, उन्होंने काम करने का तरीका देखा, आपकी बात हो गई थी तो आप ये लोग आपको बताएंगे कि कॉलेज एक ऐसा होता कि आप सोते कब है, क्योंकि किसी को 1:30 बजे रात में मैसेज, किसी को 2 बजे मैसेज, किसी को 3:30 बजे मैसेज, किसी को 4:45 बजे मैसेज, किसी को 6 बजे मैसेज, ठीक है ठीक है। और ऐसा दौर महीनों चला, महीनों ऐसा चला कि तो अभी बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि ये एक ऐसा यज्ञ था जो जिसको आप कहते हैं कि दीपक आप जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं जो बुझने नहीं देते, ऐसे एक अखंड दीपक सा जला साल दो साल जितने टाइम चलता रहा और दिन रात मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि राज्यसभा सदस्यों का राज्यसभा की वेबसाइट से नंबर लेकर के उनसे संपर्क करके उनको जाने पहचाने बगैर उनको वेबिनार के लिए बुला। तो अभी ये सोचना है कि सोनल मान सिंह का व्याख्यान करवाना है, आप देखिए वो यूट्यूब चैनल पर अभी वो व्याख्यान पढ़ो, आप चाहें जब चाहें तब उसको सुन सकते, आप देखेंगे कि आप विचार करेंगे कि लोग शी इज़ अ डांसर, शी इज़ नॉट अ प्रोफेसर, वो डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, नृत्य सिखाती हैं, नृत्य में उन्होंने अपना जीवन बिताया, अपने पति भी छोड़ दिया नृत्य के पीछे, वो जो जुनून होता है अपने लक्ष्य के प्रति वो उसमें दिखता है, उसको उसके लिए कोई भी कीमत हमको चुकानी पड़े तो हम चुकाएंगे, ऐसा उनको जीवन के पढ़ करके आपको मिलेगा जानने को मिलेगा। और अगर आप उनकी टॉक सुनेंगे तो आप ये जानेंगे कि एक नृत्यांगना कैसे स्त्री की शक्ति को पहचानते और स्त्री की शक्ति को देखने का उसका क्या है। तो ऐसा एक बात को सुन लेना शायद किसी एक के जीवन में बदलाव ला सकता है। तो ऐसी बातें अगर हर हफ्ते हो, हर दिन हो, हर क्षेत्र का वैज्ञानिकों में आया तो वरिष्ठतम आया, श्रेष्ठतम आया, साहित्य में आया तो श्रेष्ठतम आया, आलोक मेहता जिनको पद्मश्री प्राप्त है, सुदेश मिश्रा जो कि आज अगर आप नाम जानेंगे तो सर्च करेंगे तो शायद ए पी जे अब्दुल कलाम साहब के बाद में भी वो इस समय सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक, वो हमारे कॉलेज में फिजिकल मोड में आए थे तो कोरोना गया है। तो एक गुणवत्ता होती है जिससे हम समझौता नहीं करते, तो ये गुणवत्ता सबसे पहले जिससे समझौता नहीं करना चाहिए वो तो खुद हमारे अंदर विकसित होना चाहिए ना, कि हमारी खुद की गुणवत्ता श्रेष्ठतम होना चाहिए, हमको श्रेष्ठतम होना है, जो जैसा हम हो सकते हैं, इसका कोई मापदंड नहीं हो सकता कि मैं किससे मुझसे अच्छा कौन शिक्षक मुझके जैसा हो जाऊं, ऐसा कोई भी आपसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं, अपनी क्षमता है आपकी जितनी क्षमता है उसमें श्रेष्ठतम आप अगर है तो आपका संस्थान श्रेष्ठतम है, और उसको उभारना उसके व्यक्तित्व को उसके अंदर जो अंतर्निहित क्षमता है उसको जगाना, ये बात जब आप पर लागू होती है तभी विद्यार्थियों पर भी लागू होती है, जब विद्यार्थियों पर लागू होती है तो आपको फिर जब आप डेटा लिखते हैं ना तो आपको उसमें नंबर लिखना है, नंबर आपको लिखना है कितने बच्चों ने राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया, तो आपने जितने बच्चों को जगा दिया कि तू गा सकता है, तू नाच सकता है, तू खेल सकता है, तू दौड़ सकता है, तू उड़ सकता है, कुत्तों के नाम आप लिखेंगे, और अगर नाम आप नहीं लिख पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे वैसे नहीं, इसका मतलब यह है कि शिक्षक वैसा नहीं है जो उनको जगा नहीं पा रहा है। इसलिए जो आंतरिक गुणवत्ता की बात हम बोलते हैं जिसको आप कहते हैं IQS, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ इसका नाम है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस, ये आश्वस्त करती है, यह जो कोष है या जो सेल है महाविद्यालय का यह आंतरिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। लेकिन आंतरिक गुणवत्ता किसकी, आंतरिक गुणवत्ता किसकी, महाविद्यालय, बात फिर वहीं पहुंच जाएंगे, महाविद्यालय मतलब कौन, भवन, पुस्तकालय नहीं, मैं नहीं, फिर किसके आंतरिक गुणवत्ता, विद्यार्थी के आंतरिक, आंतरिक गुणवत्ता किसकी है, विद्यार्थी है जो कि सुनिश्चित की जाती है इस महाविद्यालय, अब उसकी गुणवत्ता खेल के क्षेत्र में हो सकती है, गायन में हो सकती है, नृत्य में हो सकती है, अध्ययन में हो सकती है, बोलने में हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है,
अगर आपने उसको सुनिश्चित किया है तो आपका अपने आप नंबर बढ़ जाएगा। अब एक सवाल आ गया कि कितने शिक्षक पीएचडी है, तो इससे आपके आंतरिक गुणवत्ता दिखेगी, शिक्षकों का आंतरिक गुणवत्ता दिखेगी कितने शिक्षक पीएचडी है। पता चला कि 50 में से केवल 20 पीएचडी है तो नंबर जीरो, 80% शिक्षा का कर दी पीएचडी है तो आधे नंबर मिलते हैं। उदाहरण के लिए 90% है तो 75% मिलते हैं और 90% से अधिक है। अगर आपका स्टाफ 30 का है उसमें से अगर यदि 15 शिक्षक पीएचडी है तो आपको जीरो नंबर मिलेगा। अगर आपके शिक्षक 25 पीएचडी है तो आपको 4 में से 3 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपके 30 में से 28 शिक्षक पीएचडी है तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएगा। 90% से अधिक स्टाफ जो पीएचडी अगर नहीं है, अब जब पीएचडी नहीं है, अभी मैं कॉलेज में गया था तो उन्होंने कहा चूंकि पीएचडी नहीं है हमारे पेपर नहीं चलते, तो पीएचडी होने का पेपर के छपने का क्या अंतर संबंध है, मतलब पीएचडी होने के लिए पेपर छापते हैं क्या हम, क्यों पीएचडी हो गई तो भी छापना, सच्चाई पीएचडी हो गई तब भी हम छापना बंद कर देते हैं, पीएचडी होने के पहले भी हमने नहीं छापे थे। पीएचडी में चूंकि अनिवार्यता थी कि शोध ग्रंथ सबमिट करते समय 2 पेपर पब्लिश होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में, तो हमने छपवा लिए, लेकिन अब यूजीसी ने फिर हटा दिया, अब यूजीसी ने फिर इसको हटा दिया क्लॉज को कि पेपर दो शोध पत्र छपना जरूरी, क्योंकि शोध पत्रों के छपने की दुकान बन गई वो चलने लग गए, तो उन्होंने कहा इससे कैसे निजात पाए, उन्होंने कहा हटाओ जी पेपर छापना भी कंपलसरी दिया, तो अब और कम छपेंगे पर फिर इसके नंबर है। हर फैकल्टी का कम से कम एक पेपर छपना चाहिए हर साल, यूजीसी के जनरल अगर ऐसा है, अगर आप 20 हैं और 4 साल में आपके 80 पेपर है तो आपको 4 नंबर, अगर 60 पेपर है तो 3 नंबर, अगर 40 नंबर है तो 2 नंबर, अगर 20 फैकल्टी पर 5 साल में 20 पेपर है तो 1 नंबर और 20 से कम तो 0 नंबर, सीधा ही। अब इसको कैसे पढ़ना है, एक साल के बाद में आपको SSR भरनी है और पेपर है आपके अभी 80 के जगह पर, अब शायद 25 लोग हैं जैसा मुझे क्या, तो 25 में से 100 पेपर होना चाहिए यूजीसी के लिस्ट, अभी कितना मुझे नहीं पता, पर इसमें वृद्धि कितनी हो सकती है मैं अनुमान लगा सकता हूँ कितनी वृद्धि हो सकती है, तो आपको भी ये पता है कि आपका क्या नहीं बदल सकता, क्या नहीं हम बदल सकते वो अभी हम SSR को देख के समझ सकते हैं कि ये तो हमारा इसमें हम कमजोर, कोई बात नहीं कमजोर है तो है, अब है कमजोर क्या करें, यहाँ पर नहीं है प्रयोगशाला विद्यार्थियों के लिए बर्नर नहीं है, इग्निशन ट्यूब नहीं है, सोडियम नहीं है, वहाँ पर मैं केमिस्ट्री में क्या रिसर्च कर नहीं कर सकता, लेकिन जो बदल सकता है उसको अभी ऐसा निकाल लें SSR को पढ़कर कि हमारा क्या कमजोर है उसमें से हम क्या ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर काम करें, जो हम ठीक नहीं कर सकते उसको हम छोड़ दें क्योंकि उस पर ऊर्जा को व्यर्थ करने से कोई लाभ हम नहीं होता। अब हमको ध्यान किस पर होना चाहिए कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं, उदाहरण के लिए आपके कितने क्लासरूम्स IT इनेबल्ड, आपके कॉलेज में मुझे नहीं पता कितने कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर कॉलेज में कुल कंप्यूटर्स कुल कॉलेज सब मिला और विद्यार्थी कितने हैं, नहीं कुल 3600 विद्यार्थियों पर सर अभी मेरे को वहां से भोपाल से आने वाले हैं, हम आज की बात कर रहे हैं 36, अभी आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे 2017 में कितने थे, 18 में कितने थे, 19 में कितने थे, 20 में कितने, उसको हम 30 मान और 3600 विद्यार्थी, इसका मतलब कि लगभग 130 विद्यार्थियों पर एक कंप्यूटर, इसका नंबर जीरो मिलेगा, टीचर कंप्यूटर रेशो का नंबर जीरो है, क्या करें, तो आप इसको क्या करिए कि जब लिखेंगे 36 कंप्यूटर तो उसमें से पूछेंगे विद्यार्थियों को इसमें से कितने उपलब्ध है, विद्यार्थियों को इसमें से कितने उपलब्ध है, मतलब जो प्राचार्य कक्ष में है वो विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं है, जो लाइब्रेरी में है विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं है, जो अकाउंट सेक्शन के पास है वो विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं है, तो 36 में से आपके 30 में से आपके 24 निकल कर के आएंगे जो विद्यार्थी बच्चों के हैं, उनको तो अपन चुप ही रहेंगे उसके बारे में, वो तो अपने चालू करवाने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर वो 30 भी हैं और 36 भी हैं और 50 भी हैं तो भी आपका नंबर जीरो है,
तो भी आपका नंबर जीरो है, अगर वो 100 भी है तो भी आपका नंबर जीरो है। आदर्श अनुपात जो है 1:10 है, एक कंप्यूटर पर 10 विद्यार्थी अधिकतम होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ तो है कि एक दो विद्यार्थियों के बीच में एक कंप्यूटर है। अब क्या 1500 कंप्यूटर होना था, 1500 नहीं है तो छोड़ दीजिए बात, 1500 नहीं तो 150 होते तो भी रिजल्ट माइनस 20। जैसे माधो साइंस कॉलेज ने जब लिखा तो हमने लिखा कि 170 कंप्यूटर हमारे पास में, 3300 बच्चे, तो हमारा माइनस 20 का रिश्ता है, तो सबको कुछ नंबर आपको नंबर जीरो आने वाले। लेकिन इन 30 कंप्यूटर से हम एक जगह पूरे नंबर ला सकते हैं, वो ऐसे कि हम इन सारे कंप्यूटर को क्लासरूम में दिखाएं। क्लासरूम का कंप्यूटर विद्यार्थी का काम का है, विद्यार्थी के लिए उपयोगी है क्लासरूम का कंप्यूटर। आपसे दूसरा सवाल आ गया कि आईटी इनेबल्ड कितने क्लासरूम है, अभी आपके क्लासरूम में एक भी कंप्यूटर नहीं है। अगर आप सच लिख देंगे 30 कंप्यूटर और 300 कंप्यूटर क्लासरूम में नहीं है तो आपका नंबर जीरो आएगा। और अगर आप ये दिखा दें कि इसमें से 30 में से 15 कंप्यूटर क्लासरूम्स में है, अगर आपके क्लासरूम 25 है तो 15 दिखा दीजिए, 20 दिखा दीजिए, 25 दिखा दीजिए, जो दिखाना है वो दिखा दीजिए, 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, आप उनको क्लासरूम में ले जाइए। तो क्लासरूम में आईटी इनेबल्ड क्लासरूम में आपको 100% मार्क्स आ जाएंगे, 30 से ज्यादा क्लासरूम तो होंगे ही नहीं, वहां आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। और यहाँ 5 दिखा दें बच्चों के लिए, 10 दिखा दें, 15 दिखा दें तो भी नंबर जीरो है, 30 दिखा देंगे तो भी नंबर जीरो है। तो नैक करवाने के लिए आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा कि इस चीज को मैं कहाँ उठा करके दिखाऊं कि मेरे को नंबर पूरे मिले। वो आपको गलत कुछ नहीं करना, आपको गलत नहीं करना, फिर आकर के देखेंगे भी, आप बोल भी दोगे तो ऐसा भी हुआ, फोटो मांगेंगे आपसे, जियोटैग फोटो लगाइए, जितनी क्लासरूम में आप कंप्यूटर दिखाएंगे उतने ही जियोटैग फोटो मांगेंगे, तो आपको लगाने पड़ेंगे। तो जब आप क्लासरूम में से उठा करके, लैब में से उठा करके आप कंप्यूटर क्लासरूम में लगाएंगे तो फिर लैब में मत दिखाइए, 5 दिखाइए तो भी नंबर जीरो है, 30 भी तो नंबर जीरो है। आएंगे बोलेंगे टोकेंगे तो बोलेंगे, वही एक्सपेरिमेंट कराते हैं प्रैक्टिकल बच्चों को, लैब में कंप्यूटर लैब क्लासरूम में हम दिखाएंगे, यहाँ कंप्यूटर निकाल कर ले, क्योंकि आपको कंप्यूटर लैब है कि नहीं ये भी दिखाना पड़ेगा उसमें, फिर कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर है, तो वही कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर पर नंबर है। तो ये जो संसाधन आपके पास में है उनका कितना समुचित उपयोग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये नायक आपसे पूछ रहा है कि संसाधनों का उपयोग समुचित है कि नहीं। अभी पेयजल आपके महाविद्यालय में कैसा, इसके बारे में बात आएगी मैंने, तो कितने आरओ हैं। अब आपने लिख दिया मान लीजिए कि 1 आरओ, तो इसमें क्या नंबर मिल रहा है, 3000 बच्चों पर 1 आरओ कितने मार्क्स आए। तो ये जो दूसरी चीजें हैं जो आप ठीक कर सकते हैं, 4 आरओ आप खरीद सकते हैं, कंप्यूटर पर आप 15 और खरीद सकते हैं, माने एग्जांपल नाम पर, ऐसे आपको वो कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे जिनको आप ठीक कर सकते हैं। आप शिक्षक विद्यार्थी अनुपात नहीं बदल सकते, आपके कॉलेज में 30 विद्यार्थी 30 शिक्षक है और 3000 विद्यार्थी हैं, तो वो भी अनुपात 1:100 हो गए, वो भी आप बदल नहीं सकते, वो भी नहीं बदलेगा। बदलना है तो जनभागीदारी से शिक्षक रख लीजिए आप और बढ़ा लीजिए नंबर चाहे, तो वो भी एक फाइनेंशियल में बदल जाएगा। पर फिर कुछ डाटा ऐसा भी होता है, आप ये भी देखिएगा कि उसमें से कौन सा ऐसा डाटा है जो करंट ईयर के लिए चल रहा है, सत्र के लिए कौन सा डाटा पूछ रहे हो, वहां पर क्या ठीक, क्या क्या ठीक हो सकता है, पहले उस पर काम करें, फिर इस पर काम करें कि पिछले 5 सालों में क्या हमने अच्छा किया उसको हम देखें, और क्या हमारा खराब है और खराब ही रहेगा इसको हम बदल नहीं सकते, वो भी देखें। आपके अगर 40 कंप्यूटर वहां से आ भी गए ना तो 70:3400 फिर भी 1:70 आने वाला, उसके नंबर फिर भी जीरो रहने वाला। तो अब ये 5 साल पहले सोचना था कि हर साल 10-10 कंप्यूटर खरीदते जाते हैं, 20-20 कंप्यूटर खरीदते, तो अभी तक 130 कंप्यूटर होते जो कि 3000 बच्चों के होते, तो 1:25 लिखते थे, 1:30 लिखते, तो ये जो विकास है, अभी वो पूछेंगे आपके कॉलेज में प्रति वर्ष कितना पैसा संधारण पर खर्च हो, कितना पैसा विकास पर खर्च हो, बिल्डिंग के बारे में बात करें, इसको हम कह रहे हैं बिल्डिंग है, बिल्डिंग का 100 नंबर है, और उसमें पूछेंगे कि आपके बजट में से कितना प्रतिशत थे आपने मेंटेनेंस पर खर्च किया। अब मेंटेनेंस का होता है कि आप जो टोंटी सुधरवाते ना वो भी मेंटेनेंस में आती है, उसका जो आप सुधरवाने के लिए जो प्लम्बर आता है उसको जो आप पेमेंट करते हैं वो भी मेंटेनेंस पे खर्च के ना आपने राशि, उसको सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा, फिर वो आपके कुल बजट का अगर 15% है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया खर्च करा, उसमें से 15 लाख अगर आपने मेंटेनेंस पे खर्च किए तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे,
और आपने बहुत होशियारी बरती, चीजें खराब पड़ी है पड़ी रहने दो, बिगड़े हुए हैं कंप्यूटर भी बताया मैं, पांच छह कंप्यूटर उसमें से नहीं चल पड़े हैं, पड़े रहने दो, वो सुधरे नहीं सुधरवाए तो उसकी कीमत ना क्यों चुकानी पड़े। अब लिखेंगे कि हमने 5 साल में कुल 40,000 रुपए एक कंप्यूटर जो आपका पिछले 5 सालों से है वो खराब ना हो ऐसा संभव नहीं, अगर उस पर काम होता तो खराब होगा या तो बंद ही पड़ा हुआ तो फिर खराब नहीं होगा। तो या तो ये मान लीजिए कि बंद होता फिर ये बोल देना कि आप काम नहीं करवाते बच्चों से, हमें उसको हम छूने नहीं देते बच्चों को, उसके आसपास नहीं देते, या फिर उसमें आप एंटीवायरस लगाते डलवाएंगे, अगर काम करेंगे तो एंटीवायरस डलवाएंगे, तो एंटीवायरस फिर मेंटेनेंस है, एंटीवायरस इज मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स, तो जो एंटीवायरस का बिल है वो आपके मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर्स में खर्च हो, जो चॉक डस्टर आप लाते हैं वो आपके मेंटेनेंस में खर्च हो, वो डेवलपमेंट नहीं है कॉलेज आपके, जैसे वर्ल्ड बैंक में भी आपके पास 2 करोड़ रुपया हुआ मान लीजिए बिल्डिंग के लिए, तो उसको आप लिखे 2 करोड़ रुपया उसमें सुधार के लिए आया हुआ 30 लाख रुपये, तो लिखे 30 लाख इसके नंबर मिल जाएंगे, इसके आपको नंबर मिल जाएंगे, पर वो खर्च हुए कि नहीं हुए हैं फिर ये भी आप लिख दीजिए कागज आगे मेरे पास 50 लाख रुपये है कॉलेज के विकास के लिए मिले हैं, पर उसमें खर्च करने का कोई बिल ही नहीं लगा पाया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लगाइए पीडब्ल्यूडी से लेकर, ये यूटिलाइज हो चुका है 10 साल कंप्लीट कंप्लीशन रिपोर्ट जो काम की होती है वो आपको लगा। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई कल, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि इससे कभी हताशा से अरे तो कुछ भी नहीं है क्या करें, तो अभी एक इंटरवल आपको देते हैं जिसमें आप थोड़ा मुस्कुरा सके, क्योंकि जब मैंने बोलना शुरू किया था तो काफी सारे मुस्कान थे, चेहरे बड़े गंभीर हो गए, ठीक है, तो मेरे सामने ये अभिनय करना जरूरी भी गंभीरता का, लेकिन आपको गंभीर होना पड़ेगा क्योंकि अभी खराब ग्रेड आने पर महाविद्यालय, अच्छा अच्छा आपसे